लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस पर समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। वकील फारूक नसीम बोले कि सियासी केस अब आईनी केस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अब आप जाने और आपकी आईनी बेंच जाने। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस पर समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। वकील फारूक नसीम बोले कि सियासी केस अब आईनी केस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अब आप जाने और आपकी आईनी बेंच जाने। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी।